हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे नॉर्मल लेबर क्या होता है और वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि जो लेबर है ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। सो लेबर क्या है? लेबर कई इवेंट्स से मिलकर बना हुआ है। इसमें कई इवेंट्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो प्रेगनेंसी कम्प्लीट होने के बाद सडनली ऐसे कई सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं वुमेन के जेनाइटल ऑर्गन के अंदर, ताकि जो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जिसे कि फीटस कहते हैं और जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर लगातार प्रेगनेंसी के अंदर ग्रो करता है, वो फाइनली एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बाय अ वजाइनल रूट, ओके। सो इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेबर, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वजाइनल रूट, और जब ये ऐसा होल इवेंट होता है तो ये किस कंडीशन में नॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि देर आर द सर्टन क्राइटेरियाज, और उन क्राइटेरियाज में से अगर एक भी फुलफिल नहीं होता है तो दैट विल कॉल एबनॉर्मल लेबर, ओके। सो लेट्स सी कि नॉर्मल लेबर कैसे कहते हैं, ओके, क्या क्राइटेरियाज हैं उनके। सो हियर आर द क्राइटेरियाज। फर्स्टली, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज spontaneous in onset. लेबर क्या होना चाहिए? spontaneous. यानी इसके लिए हमें किस लेबर को ऑगमेंट करने की या फिर उसे इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये जो लेबर प्रोसेस है, जैसे ही प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, यानी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेके 42 वीक्स के बीच में स्पॉन्टेनियसली क्या होना चाहिए? स्टार्ट हो जाना चाहिए, सडन इन ऑनसेट होना चाहिए, ओके। सो स्पॉन्टेनियसली हमें इसे ऑगमेंट नहीं करना है विद द यूज ऑफ मेडिकेशन लाइक ऑक्सीटोसिन देके, हमें इसे ऑगमेंट नहीं करना है और ना ही इसे इंड्यूस करना है, ओके। सो स्पॉन्टेनियसली इस पीरियड के अंदर क्या होना चाहिए? सडनली ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। एज वेल कब होना चाहिए? जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पीरियड, यानी एट टर्म, कि 37 से लेके 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के अंदर ही नॉर्मली लेबर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर 37 वीक्स से पहले हो रहा है तो उसे हम कहेंगे प्री टर्म लेबर, और अगर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और उसके बाद अगर लेबर स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म लेबर। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या फुलफिल होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बिना किसी इंडक्शन के सडन इन ऑनसेट होना चाहिए, सडनली स्टार्ट हो जाना चाहिए, और कब होना चाहिए? एट टर्म, ओके। नाउ अदर क्राइटेरिया, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स, ओके। सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? यानी फीटस की बॉडी के अंदर वो पार्ट जो कि लोअर पोल को ऑक्यूपाई करता है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में रहता है एट टर्म, कौन सा होता है? नॉर्मली वर्टेक्स, ओके। सो सेफेलिक के अंदर भी कई प्रेजेंटेशंस होते हैं, लाइक वर्टेक्स होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं लाइक वर्टेक्स है, एज वेल एज ब्रो है, फेस है, तो इसके अंदर भी प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होना चाहिए? वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स जब प्रेजेंटेशन होगा तो उस कंडीशन में जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग डायमीटर होगा वो क्या होगा? सबसे कम वाला होगा, ओके, लाइक दिस। इस कंडीशन में फीटल का हेड क्या होगा? फ्लेक्स्ड होगा, ओके। सो फ्लेक्स्ड हेड के साथ में कौन सा प्रेजेंटेशन रहता है? वर्टेक्स। अगर हेड फ्लेक्स नहीं है तो इन दैट कंडीशन क्या होगा? एक्सटेंडेड है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होंगे? इट कुड बी फेस और इट कुड बी ब्रो, ओके। सो नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर क्या होना जरूरी है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यानी विद अ कंप्लीट फ्लेक्शन ऑफ द हेड। सो सेकेंड क्राइटेरिया है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? Without any undue prolongation, यानी no prolongation, यानी जो लेबर का प्रोसेस है ये ज़्यादा जो stipulated time period दिया गया है हर स्टेज ऑफ लेबर के लिए, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कितने टाइम पीरियड के अंदर ये सारे स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होते हैं।
तो उन स्टेजेस की जो टाइम पीरियड है उसी टाइम लिमिट के अंदर ही यूजुअली, चाहे वो प्राइमरी ग्रेविड हो या फिर मल्टी ग्रेविड, उनके जो लेबर प्रोसेस है उसी टाइम के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। अगर जैसे कि सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, सभी नॉर्मल प्रोसेस के जरिए हो रहा है, लेकिन सडनली क्या हो रहा है कि फीटस डिलीवर होने के बाद प्लासेंटा डिलीवरी में हमें ज़्यादा डिले हो रहा है टाइम, तो उस कंडीशन में भी हम नॉर्मल लेबर इसे नहीं कहेंगे। ठीक है, सो जितना भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दे रखा है हर स्टेज ऑफ लेबर के लिए, वो उसी लिमिट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। उसके अंदर प्रोलोंगेशन नहीं होना चाहिए, जो ड्यूरेशन है वो और ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ दी अनदर क्राइटेरिया इज विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर और फीटस। ओके, टू मदर एंड फीटस। सो होल प्रोसेस अगर नॉर्मल है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज सारी कंप्लीटली नॉर्मल हो गई, लेकिन सडनली हमने फोर्थ स्टेज के अंदर जब ऑब्जर्व किया तो वी फाउंड दैट वुमेन इज हैविंग हैवी ब्लीडिंग, तो इस कंडीशन में भी हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया तो भी क्या कंडीशन नहीं कहलाएगी, नॉर्मल नहीं कहलाएगी। ओके, और उसी तरीके से अगर फीटस ऑल थिंग्स गोइंग नॉर्मल और सडनली हमने देखा कि फीटस का अपगार स्कोर बहुत लो है, तो लेबर कंप्लीट होने के बाद भी हमें क्या देखना है कि लेबर का जो आउटकम है वो किसी भी तरीके से मदर एज वेल एज फीटस की हेल्थ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग होल प्रोसेस ऑफ लेबर टू द मदर एज वेल एज द फीटस। ओके, सो ये देखिए, इसके अलावा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन। ओके, नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड, यानी जो लेबर है ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो नॉर्मल रिदम में आ रहे हैं लेकिन जो बेबी का हेड है वो स्टक हो गया है, तो उसके लिए आप फोर्सेप अप्लाई कर रहे हैं या फिर वेंटूज यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन आपने और ज़्यादा हायर रेट पे स्टार्ट कर दी है। सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें जो लेबर की होल प्रोसेस है चाहे वो किसी भी स्टेज के अंदर हो, बिना किसी असिस्टेंस के या फिर मिनिमल असिस्टेंस के साथ में हमें कंडक्ट करानी है। सो लेबर के अंदर जो एंडिंग प्रोसेस है यानी जो लेबर एंड अप होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, यानी एंड अप जो है वो जो प्रॉपर टाइम दिया गया है उसी के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें हमको और ज़्यादा सपोर्टिव एड को यूज़ नहीं करना है। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरिया जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, यानी जो लेबर है वो स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, टर्म पे होना चाहिए स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, अनड्यू प्रोलोंगेशन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं हो रहा है किसी भी स्टेज के अंदर, कोई भी मदर एज वेल एज फीटस के ऊपर हेल्थ इफेक्ट जो है वो एडवर्स नहीं है, और नेचुरली टर्मिनेट हो रहा है, और हमें एट द एंड क्या मिल रहा है, दैट इज द अल्टीमेट गोल इस नॉर्मल लेबर का कि जो सारी चीज़ें हो रही है वो एक नेचुरल पेस पे हो, इसमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल लिवर। ओके, और यूटोसिया। ओके, और अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, इवन कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो गया, एट टर्म हो रहा है, लेबर जो है वो सडनली स्टार्ट भी हो गया है, ज़्यादा प्रोलोंगेशन भी नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, यानी अगर पोडालिक पोल है तो उस कंडीशन में भी हम इसे नॉर्मल नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? सो अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, इनमें से एक भी क्राइटेरिया के अंदर कुछ भी डिविएशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टोसिया। ओके, सो दिस इज द क्राइटेरिया कि नॉर्मल लेबर क्या है और कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे कि इफ दीज ऑल क्राइटेरिया आर मेट देन ओनली वी कैन से दैट इट इज द नॉर्मल वन। सो दीज आर द क्राइटेरियाज। नाउ अगर एक वुमेन हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और शी इज सेइंग दैट शी इज हैविंग पेन, अगर वो कहती है कि मुझे पेन हो रहा है, तो हम कैसे उसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये जो पेन है वो ट्रू लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। सो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ट्रू लेबर पेन में क्या होता है और फॉल्स में क्या होता है। सो लेट्स सी ट्रू लेबर पेन। सो ट्रू लेबर पेन, इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें
ऐसा नहीं है कि ट्रू लेबर पेन सडनली वुमेन इज सेइंग कि पेन है मुझे और तुरंत आप उसे देखते से कहते हैं कि हाँ ऐसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। देर आर द सर्टन क्राइटेरियाज जिसे हमें देखना होगा और नॉट फॉर अ सिंगल टाइम, इसे ऑब्जर्व करना होगा फॉर एटलीस्ट टू और फोर ऑब्जर्वेशन तक। अगर वो सारी चीज़ें मिलती हैं हमें कि हाँ ये सारी चीज़ें कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तभी आप कह सकते हैं कि देर इज़ अ ट्रू लेबर पेन। सो वो क्या कंडीशन हो सकती हैं? फर्स्टली सबसे पहले हमें क्या देखना है, बिकॉज देर इज़ अ लेबर पेन, ओके, सो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें ऑब्जर्व करना है वो क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट हमें क्या ऑब्जर्व करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हम किन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हम देखेंगे द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यूट्रस जो है एट द टाइम ऑफ लेबर, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो मसल्स होती है स्मूथ मसल्स जो कि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है, ये क्या करती है, कोऑर्डिनेटेड और रिदमिक मैनर में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसके कारण यूजुअली क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, एक वेव ऑफ फोर्स जो है वो फाइनली फीटस को प्रोपेल आउट करता है ताकि वो डिसेंट डाउन हो एंड फाइनली क्या हो सके, वो एक्सपेल आउट हो सके, ओके। सो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें इन तीन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रू लेबर नहीं है तो पेन जो है हो सकता है वुमेन को स्लाइट डल पेन हो जो कि थोड़ी देर के लिए हो रहा है एंड देन वो सबसाइड हो चुका है। सो हमें लगातार ऑब्जर्व करना है कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है और ड्यूरेशन क्या है। सो व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण इंटेंसिटी सीवियरिटी क्या है, यूट्राइन पेन की सीवियरिटी हम कैसे मेजर करेंगे, उस टाइम पे इंट्रा यूट्राइन प्रेशर कितना है, ओके। सो इंटेंसिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, प्रेशर विद इन द यूट्रस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये जो प्रेशर होता है ये 40-50 mm ऑफ एसजी रहता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेज में जो प्रेशर है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज सेकेंड स्टेज में फीटस को डिलीवर होना है एंड द थर्ड स्टेज में फाइनली प्लासेंटा एक्सपेल आउट होता है, ओके। सो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है फर्स्ट स्टेज में 40-50 है, तो सेकेंड स्टेज में बढ़ के 100 से लेके 120 mm ऑफ एचजी हो जाएगा प्रेशर। सो अगर वुमेन लेबर पेन के साथ आती है तो हमें इंटेंसिटी को मेजर करना है, बिकॉज विद द प्रोग्रेशन ऑफ लेबर जो इंटेंसिटी है यानी जो यूट्राइन सिस्टोल है वो लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, ग्रेजुअली जो इंटेंसिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। सेकेंडली सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। सेकेंड फ्रीक्वेंसी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, विद द प्रोग्रेशन ऑफ लेबर बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे हम मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी को, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो इंटरवल है यानी जो गैप है, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम। और जब गैप दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का गैप कम होने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बार आने लगेंगे इन अ सेम टाइम पीरियड। सपोज ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इन इनिशियल स्टेज अर्ली स्टेज पे जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये 10-15 मिनट्स के अंदर अगर एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो लेटर ऑन क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो सेकेंड स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कितने फ्रिक्वेंटली आएंगे, इन ईच 2-3 मिनट, हर 2-3 मिनट के अंदर क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन। जो इनिशियली क्या हो रहा था 10-15 मिनट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन था, वो बढ़ के क्या हो जाएगा, हर 2-3 मिनट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन अपेयर होने लगेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन की यानी नंबर ऑफ टाइम कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। सेकेंडली ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कैसे मेजर करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर के लिए लास्ट कर रहे हैं। इनिशियली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 30 सेकेंड के लिए लास्ट करते हैं जो इनिशियल स्टेजेस में है, फर्स्ट स्टेज में अर्ली स्टेज पे 30 सेकेंड तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, देन देर विल बी अ गैप, फिर वापस से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर के लिए लास्ट कर रहा है उसे कहते हैं ड्यूरेशन। सो कितनी देर के लिए इनिशियली लास्ट करता है, 30 सेकेंड के लिए। एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
और जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ये जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन का वो भी बढ़ने लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन 60 to 90 सेकेंड के लिए लास्ट कर सकता है, और इवन जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होगा तो इवन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 1 से 1.5 मिनट तक भी क्या हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है। 1 से 1.5 मिनट तक भी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर 1 to 1.5 मिनट तक क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है। ओके, सो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं विद द कॉन्ट्रैक्शन, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन से हम मेजर कर सकते हैं कि अगर प्रोग्रेसिवली और ग्रेजुअली इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन अगर ये बढ़ रहा है तो मीन्स लेबर इज इन अ प्रोग्रेस। ओके, नाउ ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, यूट्रस के अंदर, फंडल, फंडस रीजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। बिकॉज जब पोलारिटी रहती है यानी कॉन्ट्रैक्शन जब अप एंड डाउन जब मूव करते हैं तो उसी प्रेशर के साथ में फीटस क्या होता है, डिसन डाउन। सो फंडल प्री डोमिनेंस रहता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ट्यूबल ऑस्टिया। ओके, सो हियर इट इज द यूट्रस, द ट्यूबल ऑस्टिया से क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, इट इज द पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, ट्यूबल ऑस्टिया। एंड इसमें भी जो राइट साइड है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है इन कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। सो ट्यूबल ऑस्टिया से जब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक मैनर में प्रोसीड करते हैं तो लेबर क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। सो पहली चीज जो कि ट्रू लेबर पेन को डिफाइन करती है वो क्या है, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक रेगुलर रिदमिक इंटरवल पे होने चाहिए, और उन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन प्रोग्रेसिवली क्या होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्या ये ट्रू लेबर पेन। तो इन्हीं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में वुमेन को क्या फील होता है, पेन। ओके, और ये पेन क्यों हो रहा है, बिकॉज सबसे पहले तो जो यूट्राइन बॉडी को सप्लाई करती हैं द नर्व फाइबर्स वो कहाँ से इनर्वेट होती हैं, T10 से लेके L1 सेगमेंट तक। ओके, सो ये जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं जो कि इस T10 से लेके L1 सेगमेंट तक रिले हो रही हैं, ये किस वजह से हो रही है, बिकॉज देर इज़ अ मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया। क्योंकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ से जो वहाँ पे जो सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स वो क्या हो रही है, ऑक्लूड, जिसके कारण प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, दे बिकम हाइपोक्सिक। ओके, एंड सेकेंडली जो फंडस एरिया होता है यूट्रस का उसको कौन कवर करता है, दैट इज पेरिटोनियम। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पेरिटोनियम भी क्या हो रहा है, स्ट्रेच, एज वेल एज मायोपेट्रियम भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सर्विक्स भी क्या होता है, प्रोग्रेसिवली डायलेट होने लगता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होने लगता है, और जब सर्विक्स डायलेट होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, स्ट्रेच इफेक्ट। ओके, सो सर्विक्स के डायलेट होने से भी जो लोअर जो सैक्रल प्लेक्सस है S2, 3 and 4, ये सैक्रल प्लेक्सस क्या करते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हैं वो इम्पल्सिस को रिले करते हैं। तो इस तरीके से ये जो रीजंस हैं जिसके कारण कि वुमेन को पेन होता है, बिकॉज ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया, स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिटोनियम, इन सब के कारण यूजुअली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, वुमेन को पेन। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सेकेंड वन जो कि इस ट्रू लेबर पेन के अंदर हमें देखने को मिलती है, देर इज अ प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। सो क्या हो रहा है, सर्विक्स का डायलिटेशन हो रहा है और इफेसमेंट हो रहा है। डायलिटेशन यू मीन कि जो सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल, जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या रहती है, कंप्लीटली क्लोज्ड, यू नो, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विक्स हैं वो इलास्टिक एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, और इन सर्वाइकल जो सर्वाइकल कैनाल हैं यहाँ से सर्वाइकल सेक्रेशन जो है वो एक कॉपियस सिनेशियस म्यूकॉइड प्लग बनाता है, जो कि एक तरीके से सर्वाइकल कैनाल को भी ब्लॉक करके रखता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इफेक्ट। सो ये जो सर्विक्स है कम्प्लीटली थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या करके रखता है, नीचे से कम्प्लीटली क्लोज रहता है, ताकि इस होल जो प्रोग्रेशन होना है मायोमेट्रियम के अंदर इन द यूट्राइन कैविटी विद द ग्रोइंग यूट्रस, उसको क्या कर सके, होल्ड कर सके। ओके,
लेकिन विद द इफेक्ट ऑफ दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द सर्वाइकल स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑफ द हॉर्मोन्स क्या होने लगता है, सर्विक्स बिकम डायलेट। और जब सर्वाइकल डायलेटेशन होता है यानी देर इज अ ओपनिंग, और धीरे धीरे जब भी सर्विक्स ओपन होने लगता है उसी के साथ में, इसके बारे में हम और डिटेल इन स्टेजेस ऑफ लेबर के अंदर देखेंगे, सर्वाइकल कैनाल की लेंथ भी क्या होने लगती है, शॉर्ट। इफेसमेंट का मतलब क्या है, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, जिसमें जो सर्विक्स हैं ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है इन द इस्थमस, सर्विक्स के ऊपर वाला पार्ट है इस्थमस। सो सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ में सर्विक्स क्या होने लगता है, इफेस्ड, टेकअप होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो सर्वाइकल कैनाल की जो लेंथ है वो भी क्या होने लगती है, शॉर्ट। ओके, सो डायलिटेशन एंड इफेसमेंट भी हमें प्रोग्रेसिवली दिखने लगता है। सपोज अगर वुमेन जब हमारे पास आई है और उस टाइम पे 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन हुआ है एंड 50% इफेस हुआ है, और अगर हम उसे 4 to 5 hours के बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अगर हमें 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन और इवन 80% इफेसमेंट दिख रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट। सो नेक्स्ट थिंग हमें जो देखने को मिलेगी लेबर पेन में वो क्या है, देयर इज अ प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। नाउ सर्विक्स डायलेट होने के बाद क्या होगा, द इम्पॉर्टेंट इवेंट, जब सर्विक्स डायलेट होगा तो जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी देयर इज अ टेनाशियस म्यूकॉइड प्लग, और सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ में विद द स्ट्रेचिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल वहां पर प्रेजेंट होता है म्यूकॉइड प्लग, वो क्या हो जाता है, रिलीज। ओके, सो जैसे ही वो म्यूकॉइड प्लग जो है रिलीज होता है, क्योंकि सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ में कई स्मॉल कैपिलरीज जो होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर। ओके, और उसी के साथ में कुछ जो डेसिडुअल लाइनिंग है वहाँ पे भी क्या होने लगता है, स्लाइट रप्चर, जिसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड उस म्यूकॉइड प्लग के साथ क्या हो जाता है, मिक्स एंड इट इज रिलीज बाय द वजाइनल रूट। सो म्यूकॉइड प्लग मिक्स्ड विद ब्लड क्या कहलाता है, शो। सो जो नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है इन ट्रू लेबर पेन इज द अपीयरेंस ऑफ शो। और शो क्या है, कि जो म्यूकॉइड प्लग है सर्विक्स का वो किससे मिक्स हो चुका है, ब्लड के साथ में, वो क्या हो जाता है, फाइनली रिलीज बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल डायलिटेशन। नाउ अब क्या होगा, इसी के साथ में हमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिला वो क्या है, दैट इज सर्विक्स डायलेट हो चुका है तो अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द डायलिटेशन द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट बिकम डिसेंट डाउन। ओके, सो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा, डिसेंट डाउन होने लगेगा, ब्रिम के अंदर एंटर करने लगेगा। सो देयर इज अ डिसेंट ऑफ हेड, डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है। सो प्रेजेंटिंग पार्ट जब डिसेंट होगा बिकॉज ऑफ द डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ये भी क्या इंडिकेट करता है, दैट इट इज अ ट्रू लेबर पेन। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर। सो क्या है फोर वाटर, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेजेंटिंग पार्ट, जैसे कि नॉर्मली हमने देखा क्या होता है, वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर कर जाता है तो पेल्विक ब्रिम एज वेल एज द प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स के बीच में क्या होता है, गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, एंड नाउ जैसे ये डिसेंट डाउन होता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि ऑल टुगेदर होल फीटस को कवर करती है, ये दो कैविटी में डिवाइड हो जाती है, एक वो फ्लूइड जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर है वहाँ पे प्रेजेंट एमनियोटिक फ्लूइड, और दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट और गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट पेल्विक ब्रिम के बीच में जो गैप है उससे स्लाइटली स्वीप करता हुआ रिश्ता हुआ वहाँ से कहाँ एंटर कर जाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने। सो प्रेजेंटिंग पार्ट से बिलो, बिकॉज जैसे ही सर्वाइकल डायलिटेशन होता है जो मेम्ब्रेन्स हैं एमनियन एंड कोरियन वो क्या हो जाती है, अनसपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पे सर्विक्स क्या हो चुका है, डायलेट, स्लाइटली डायलेट। सो जैसे डायलेट होता है उसी के साथ में उस फ्लूइड प्रेशर के साथ में, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर के साथ में कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड एज वेल एज जो मेम्ब्रेन है वो इस प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने क्या कर देती है, एज अ बलून लाइक क्या हो जाता है, बल्ज क्रिएट करती है, जिससे कि आप पर्वजनल एग्जामिनेशन के जरिए भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो बैग बनता है इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट उसे क्या कहते हैं, बैग ऑफ फोर वाटर। और एट द टाइम ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब आप उस बैग ऑफ फोर वाटर को पालपेट करेंगे तो वो टेंस, सर्कुलर और बल्जिंग दिखाई देगा, फील होगा।
और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ओवर हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन लगातार तो नहीं होता है, बीच में गैप रहता है, सो जैसे कॉन्ट्रैक्शन ओवर होता है उसी के साथ में जब आप उस समय पालपेट करेंगे तो वो जो बल्जिंग मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाती है, बल्ज डिसअपियर हो जाता है, एंड अगेन वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अगेन वो वापस क्या होगा, बल्ज, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन के साथ में इंट्राएमनियोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स हम देख सकते हैं अगर एक वुमेन आती है हमारे पास में और शी इज़ कंप्लेनिंग कि उसे लेबर पेन है, तो ये सारे क्राइटेरियाज हम देख सकते हैं फॉर ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर अ पीरियड कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी क्या है, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट पे क्या कुछ असर हो रहा है या नहीं, शो यानी जो म्यूकॉइड प्लग है वो डिस्चार्ज हुआ है या नहीं, प्रेजेंटिंग पार्ट कितना डिसेंट हुआ है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने बैग ऑफ फोर वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, एंड एज वेल ये सारे सिम्टम्स के ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये देख सकते हैं कि अगर वुमेन को लेबर पेन है तो अगर हम उसे एनीमा या सेडेटिव्स देते हैं, क्या करते हैं, अगर एनीमा या सेडेटिव्स देते हैं तो उसके साथ ये पेन रिलीव नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि ऑल ओवर द यूट्रस में सिचुएटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ उनका जो नर्व इनर्वेशन है वो T10 से लेके L1 तक ये एक्सीड होता है, एज वेल एज सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल के यहाँ पे भी जो सप्लाई है वो S2, 3, 4 यानी सैक्रल प्लेक्सस के जरिए, तो ये माइनस सेडेटिव्स एज वेल एज एनिमा से रिलीव नहीं होता है। सो इन दैट कंडीशन जो कॉमनली प्रेफर किया जाता है वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो कि डायरेक्टली एपिड्यूरल स्पेस पे देते हैं और T10 लेवल से ही उसे ब्लॉक करते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर। सो सिंपल एनिमा एज वेल एज सेडेटिव से भी जो ये ट्रू लेबर पेन है वो सब्साइड नहीं होता है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स जिन्हें देख के हम कह सकते हैं कि वुमेन इज एक्चुअली एंटरिंग इन अ लेबर प्रोसेस, जिसमें ये सारे जो इवेंट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स वंस वुमेन इज सेइंग दैट शी इज हैविंग पेन, और अगर वो डल पेन है, लोअर एब्डोमेन और इवन ग्रोइन एरिया तक ही लिमिटेड है, एंड हमें ये सारे सिम्टम्स और इवेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, दैट इज दी कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, देर इज नो डायलिटेशन और इफेसमेंट, देर इज नो शो, देर इज नो डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, नो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, एंड अगर हम उसे ड्रग्स एनिमा एंड सेडेटिव्स देते हैं और उसी के साथ में अगर पेन सबसाइड हो जाता है तो वो पेन हमें वो पेन क्या कहलाता है, फॉल्स लेबर पेन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रू लेबर पेन, और अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, फॉल्स लेबर पेन। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने देखा नॉर्मल लेबर क्या है और हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो लेबर है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, यानी उसकी क्राइटेरियाज देखें, और अगर लेबर पेन है तो हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। थैंक यू।